हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें रिकी स्टार्स प्रेस्टन वांस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर रिकी स्टार्स और प्रेस्टन वांस इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और गाइस, दोनों यंग स्टार्स ने यहां पर अपने तरफ से काफी शानदार मैच डिलीवर किया है, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड दोनों के लिए काफी चीयर कर रहा था। लेकिन इस सबके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो एक काफी बढ़िया मैच के अंदर जब प्रेस्टन वांस आखिरकार रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, तो कॉमेडी टीम पर बैठे हुए बिग बिल ने यहां पर प्रेस्टन वांस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर रिकी स्टार्स प्रेस्टन वांस पर अपना फिनिशर स्पीयर लगा पाए और प्रेस्टन वांस को पिन कर रिकी स्टार्स ने अपने टीम के लिए यह मैच जीत लिया है। पर यह मैच जीतने के बाद भी रिकी स्टार्स और बिग बिल ने मिलकर प्रेस्टन वांस पर अटैक करना कंटिन्यू किया, जो देखकर प्रेस्टन वांस को बचाने के लिए यहां पर लेफ्ट एक्सिगन इनोबले आ गए। और गाइस, इन्हें देखकर बिग बिल और रिकी स्टार्स यहां से भाग गए। और ऐसे ही काफी शानदार मैच और एक पोस्ट मैच सेगमेंट के साथ ही इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत हुई। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर बैकस्टेज में रेने पिकेट क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहां पर रेने पिकेट ने पूछा कि क्रिस जेरिको DDT प्रमोशन पर जाकर कनुस के तकेत्सा को फेस करने वाले हैं, तो इस पर जेरिको का क्या कहना है। और यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि माना कि कनुस के तकेत्सा फिलहाल की रेसलिंग वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है, लेकिन क्रिस जेरिको पूरे के पूरे रेसलिंग हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक है और जेरिको कनुस के तकेत्सा से अपना बदला लेने वाले हैं, और वो भी कनुस के तकेत्सा के होम टाउन के अंदर, जब जेरिको कनुस के तकेत्सा को DDT प्रमोशन पर हराएंगे। जो बातें जेरिको ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब क्रिस जेरिको DDT प्रमोशन पर जाकर कनुस के तकेत्सा को फेस करते हैं, तो वहां पर इस मैच का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डॉन केलिस और प्रिंस नाना का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और लेक्सी डॉन केलिस से पूछ रही थी कि क्रिस जेरिको की टीम के खिलाफ जाने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। और यहां पर इस सवाल का जवाब देते हुए डॉन केलिस ने कहा कि फिलहाल के लिए सैमी गिवेरा अब तक AEW के शोज पर वापस नहीं आए, इसीलिए डॉन केलिस को एक पार्टनर चाहिए और मुगल एम्बेसी के मैनेजर यानी कि प्रिंस नाना डॉन केलिस की मदद करने वाले हैं। और हमें ब्रायन केज एक दिन क्रिस जेरिको के खिलाफ डॉन केलिस की फैमिली ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो बातें यहां पर डॉन केलिस ने कही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ब्रायन केज एक दिन के लिए डॉन केलिस की फैमिली ज्वाइन करते हैं और वो भी क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और पॉल व्हाइट के खिलाफ, तो यहां पर ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में जेफ जेरेट, जे लिटल, संजय दत्त और सतनाम सिंह का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहां पर बात करते हुए जेफ जेरेट ने कहा कि माना कि जे लिटल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियली नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, पर जहां तक बात है उनके मैच की, तो जे लिटल इतनी जल्दी ये मैच डिमांड नहीं करने वाले। जे लिटल सही टाइम आने पर यहां पर अपना रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच डिमांड करने वाले हैं, जो बातें जे लिटल कह रहे थे। लेकिन इतने में यहां पर ओर्टिज आ गए और यहां पर इन सबसे बात करते हुए ओर्टिज ने कहा कि लास्ट वीक ये सब ओर्टिज के बारे में क्या बातें कर रहे थे, क्योंकि इन सबको कुछ कहना है तो ये ओर्टिज के फेस टू फेस कहे। जो बातें सुनकर जेफ जेरेट के वाइफ ने ओर्टिज से कहा कि ओर्टिज को समझदारी से काम लेना चाहिए, यहां पर वो अकेले है और उनकी पूरी टीम है। पर ओर्टिज ने कहा कि जहां से वो आते हैं वहां उन्हें अकेले ही लड़ना सिखाते हैं। और ये कहकर ओर्टिज यहां पर इन सब पर अटैक करने लगे, पर यहां पर ये सब ओर्टिज पर काफी भारी पड़े और यहां पर सतनाम सिंह ने ओर्टिज को गले से पकड़कर चोक करना स्टार्ट कर दिया। पर काफी सारे रेफरीज ने आकर सतनाम सिंह को रोक लिया, तो अब देखना पड़ेगा कि बागिन की टीम और ओर्टिज के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रूबी सोहो एक 1-on-1 मैच के अंदर रेड वेलवेट को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस, रेड वेलवेट यहां पर अपना इंजरी से रिटर्न कर रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर यहां पर रूबी सोहो रेड वेलवेट के इंजर्ड लेग पर ही काफी टारगेट कर रही थी। और रूबी सोहो और रेड वेलवेट इनके बीच में ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच बन रहा था और यहां पर काफी शानदार मूव्स लग रहे थे। लेकिन इसी बीच यहां पर AEW के क्रू ने यहां पर रूबी सोहो को फूलों का एक बुके दिया, जो देखकर रूबी सोहो थोड़ी फार डिस्ट्रैक्ट हुई। पर रूबी सोहो जब तक ये बुके रेफरी को देती, तब तक यहां पर रेड वेलवेट ने रूबी सोहो पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर यहां पर सरप्राइजिंगली रेड वेलवेट ने यह मैच जीत लिया है और इंजरी से रिटर्न करने के बाद उनकी ये पहली जीत है। लेकिन यहां पर रूबी सोहो इस चीज से काफी सरप्राइज थी कि उन्हें एक बुके मिल चुका है और अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रांग आते हुए दिखाई दिए। और यहां पर आकर बातें करते हुए रॉड्रिक स्ट्रांग ने कहा कि नेक हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है और सब लोगों को नो नट नवंबर करने के बजाय नो नेक नवंबर करना चाहिए, जो फनी चीज रॉड्रिक स्ट्रांग ने कही। लेकिन यहां पर द किंगडम का मैच कुछ लोकल स्टार्स के खिलाफ होने वाला था, जहां पर किंगडम ने
लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर फिर एक बार ये मैच खत्म होने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने रिंग के अंदर आकर उन लोकल स्टार्स पर अटैक किया और वो दोबारा से व्हीलचेयर पर जाकर ऐसे बैठ गए कि मानो कि वो काफी इंजर्ड है। तो देखना पड़ेगा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ सच में क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डेनियल गार्सिया और 2.0 का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि माना कि गार्सिया अपना फर्स्ट सिंगल्स मैच हार गए है, पर इसके बावजूद भी गार्सिया को एक और काफी अच्छा चैलेंज मिल चुका है क्योंकि अब गार्सिया अंद्रादेल इडलो को फेस करना चाहते है। जो बात यहाँ पर गार्सिया कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर रूबी सोहो और सरया आ गई और इन दोनों ने यहाँ पर थोड़ा मी टाइम मांगा, जिसके चलते गार्सिया और लेक्सी तो यहाँ चली गई और यहाँ पर सरया और मैट पनार्ड एक दूसरे पर काफी गुस्से से बात कर रहे थे। लेकिन हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर एंजेलो पार्कर और रूबी सोहो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जो देखकर सरया और मैट पनार्ड ने इन दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से दूर ढकेल दिया और बात करते हुए कहा कि यहाँ पर इनके बीच में एक प्रॉब्लम चल रही है। तो देखना पड़ेगा कि अभी अपनी इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम बातें कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर डेरियस मार्टिन और एक्शन अंद्रेटी आ गए और यहाँ पर बात करते हुए डेरियस मार्टिन और एक्शन अंद्रेटी ने कहा कि द किंगडम को लग रहा है कि द किंगडम काफी बढ़िया है, पर एक्शन अंद्रेटी उन्हें याद दिलाना चाहते है कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर उन्होंने किंगडम को हरा दिया है। जो बातें सुनकर किंगडम ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि मानो उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ था। पर एक्शन अंद्रेटी और डेरियस मार्टिन ने कहा कि उन्हें किंगडम को दोबारा से हराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बातें सुनकर द किंगडम तो यहाँ चली गई। देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी एक्शन अंद्रेटी डेरियस मार्टिन और द किंगडम के बीच में क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें मेन इवेंट मैच के अंदर FTR कमांडर और एल हिजुडेल वाइकिंगों को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस सच में ये मैच रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें FTR की तरफ से काफी ग्राउंडेड और टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल तो देखने को मिली ही, पर यहाँ पर एल हिजुडेल वाइकिंगों और कमांडर की तरफ से हमें काफी शानदार हाई फ्लाइंग रेसलिंग देखने को मिली, जिसके चलते ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है। और यहाँ पर डिफरेंट रेसलिंग स्टाइल के चलते काफी सारे फैंस का भी मैच देखने के लिए इंटरेस्ट काफी आ रहा था और हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे। और फिर एक बार FTR ने यहाँ पर अपनी A1 रेसलिंग दिखाई है। लेकिन इस सबके साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से एक शानदार मैच के अंदर आखिरकार कमांडर के फिनिशर को रिवर्स कर FTR ने कमांडर पर अपना फिनिशर बिगरी लगा दिया और यहाँ पर कमांडर को पिन कर FTR ने अपने लिए मैच जीत लिया है, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड ये मैच खत्म होने के बाद दोनों टैग टीम्स को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा था और इन दोनों ने भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाई और इसी शो ऑफ ही जाने वाला था, लेकिन तभी सभी लाइट्स ऑफ हुई और हमने टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पर देखा हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ पर इन दोनों को चेकआउट कर रहा था और इसी शो ऑफ ही चला गया। जो रैम्पेज शो मुझे दूसरे रैम्पेज शो से थोड़ा फार बेटर शो लगा है, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइस जाते जाते मैं आपको CM Punk से रिलेटेड एक और काफी बढ़िया स्टोरी बताना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में AEW की फॉर्मर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन यानी कि डॉक्टर ब्रिट बेकर का इंटरव्यू लिया गया और ब्रिट बेकर की इस इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर से पूछा गया कि ब्रिट बेकर की CM Punk के ऊपर थॉट्स क्या है और CM Punk कंपनी छोड़कर चले गए है तो इस पर ब्रिट बेकर का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि CM Punk देखा जाए तो ब्रिट बेकर की तरफ एक काफी अच्छे इंसान रहे है और यहाँ पर ब्रिट बेकर ने CM Punk जितना टाइम AEW के अंदर स्पेंड किया है उस टाइम से काफी सारी चीजें सीखी है और CM Punk ने काफी सारी चीजों के अंदर ब्रिट बेकर की मदद की है। और ये देखा जाए तो काफी अच्छी बात है कि CM Punk ने AEW पर वॉकआउट नहीं किया, बल्कि AEW और CM Punk ये काफी एक मिसफिट चल रहा था, इसलिए AEW ने CM Punk को अपनी तरफ से दूर किया है। पर जो भी हो, CM Punk रेसलिंग के अंदर वापस AEW कंपनी के अंदर आए थे वो एक काफी हिस्टोरिक मोमेंट थी और इसके चलते CM Punk हमेशा से ही AEW की स्टोरी का एक काफी क्रूशियल पार्ट रहेंगे। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने कही और गाइस मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर के कमेंट्स काफी सही है, आखिरकार CM Punk और AEW इनके बीच में चीजें नहीं बनी, इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन CM Punk ने AEW के अंदर बिताया हुआ उनका टाइम एक काफी अच्छा टाइम रहा है और CM Punk और AEW इनका नाम हमेशा से ही साथ में लिया जाएगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?